哈哈 उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तें बाबा अल्लाह ताली के फजल करम से खैरियत से होंगे ये हाथा है जहंगीरिया है जी और ये इसके बिल्कुल दरमियान में हाउस और फवारे और ये देखें इस किले की तमीर शहनशाह अकबर ने शुरू करवाई और मुख्तलफ्वर में यहाँ पे इजाफे होते रहे ये जो हाथा आप देख रहे हैं खूबसूरत फवारों और जो बगीचों से भरा हुआ है ये शहनशाह जहाँगीर ने इसको दोबारा असर नो मुकमल करवाया और इसको इसलिए जहांगीर यात्रा बोलते हैं और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कदीम दरवाज़े और साथ ही अंदर छोटा सा म्यूज़ियम मुख्तलफ़ पिक्चर्स और चीज़ों का बनाया हुआ है चलें आपको दिखाते हैं इस हाल में दाहल होते ही बिल्कुल आँखों के सामने ताजमहल की एक बड़ी ख़ूबसूरत मोनमेंट पड़ी हुई है और ये इनतहाई दिलकश अंदाज से शीशों के एक बॉक्स में रखा गया है और इसी हाल में सराउंड में गिरदोन में मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जो फनपारे बेहतरीन किस्म के हैं जिनमें मशव्री का एक शानदार नमूना झलकता है और इन फन पारों में मुख्तलिफ महाराजों की या गवर्नरों की तस्वीरें हैं और उनके साथ साथ मुख्तलिफ जो हिस्से हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं उनकी तस्वीरें हैं ये आप सारी देख रहे हैं और इसी हाल में आप जैसे ही बाएं तरफ ये बिल्कुल दरवाज़ा है इससे आप अंदर दाखिल होंगे तो आपके सामने एक और जहान नज़र आएगा तो इसके साथ ही आप ये देखें बिल्कुल सामने मुख्तफ जो मकतूत हैं या कुत, कुतब्स हैं वो पड़ी हुई हैं इनमें पुराने बेहतरीन नुस्ख़े हैं कदीमी नुस्ख़े हैं और उन मुख्तफ वो जो ख़त हैं उनसे लिखे गए हैं और इंतहाई जखीम है इसमें मकतूतात भी हैं और किताबें भी हैं और मेरा ख़्याल है शायद ये तुझके जहंगीरी या तुझके बाबरी भी यहीं पढ़ी हुई है तो ये आपके सामने है। कमरों से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये मशरक़ी जो हिस्सा है वो आपके सामने है और इन कमरों के साथ ही ये मुनसलिक है और यहाँ पर जो रेनोवेशन का काम जारी है आप देख रहे हैं इतना शाहकार था जो हवादे से ज़माना की नज़र हो गया तो इन खिड़कियों से इन बालकोनी से जहाँ से दरिया रावी का नज़ारा होता था अब वहाँ से बदामी बाग और ये शुमाली लाहौर के हिस्से नज़र आ रहे हैं तो अब इन जो कमरों का और इस सारे एरिए का असर नौ तमीरात का काम है रेनोवेशन का काम है का का वो चल रहा है और मैं आपको ये इतनी शानदार जगह है कि जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप देखेंगे जैसे ये कमरे आप देखेंगे इनके पीछे भी सेन है इनका पिछला हिस्सा ये आपके सामने आ रहा है इन कमरों से गुज़रते ही और इन जरोकों को आप देखें और ये देखें यहाँ से आपको किले का कोना नज़र आएगा जहाँ पे एक बिल्कुल जो डोम और आर सी बनी हुई है और ये वो वाला हिस्सा है जो किले से बाहर की तरफ डटकता हुआ नज़र आता है तो ये उसके अंदर का मंज़र है ये आप देख रहे हैं और यहाँ से जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो ये किले की वो वाली दीवार और वो वाला हिस्सा है जो बिल्कुल दरियाए रावी के साथ बहता था हाथाए जहांगीरी से आप जैसे ही जनूब मशरक़ की तरफ बाहर निकलते हैं तो उसके साथ ही मुतसल दीवान आम का एरिया शुरू हो जाता है ये जी दीवान आम है ख़ास हमने आपको दिखा दिया और ये इसके सामने सारा और ये पीछे वाल सिटी का एरिया लाहौर का ना जी और ये वाला दरवाज़ा जो है वो दिल्ली की तरफ से आता था दीवान आम वो वाला इलाका था जहाँ बादशाह आम राया के साथ ख़ताब करता था और अब मुख्तलिफ ऐलान करता था तो ये जो सामने वाला ये हॉल है ये ये सामने बालकोनी है जहाँ पे वो बैठ के लोगों के साथ अपनी जो तकारीर थी या खताबात थे वो किया करता था तो यहाँ से ये, ये वाले हिस्से को ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था ख़त्म हो चुका था बिज की सारी रेनोवेशन दोबारा हुई है तो बिल्कुल ये इर्द गिर्द बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा जो आपको पार्क वाला हिस्सा नज़र आ रहा है इसीलिए था कि यहाँ पे राया की असरीत इकट्ठी एक होती थी ये मकतब है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे मोती मस्जिद है तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको दिखा के हम मोती मस्जिद वाली तरफ जा रहे हैं और ये आपको सारा एरिया दिखाने की कोशिश करते हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ की इंतज़ामिया ने मोती मस्जिद की वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं किया बल्कि पूरे किले की ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है लोग अपने विरसे को प्रमोट करते हैं आगे बढ़ाते हैं इन्होंने बंद की है वजह बता रहे हैं कि जी पिछले दिनों कोई हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं वो यूट्यूबर भी हैं उन्होंने वीडियो बनाई है और वो बड़ी अच्छी वीडियो चली है वायरल हुई है लाखों में व्यूज़ हैं मगर इनको तकलीफ़ बनी हुई है और ये कहते हैं कि उस वजह से हमें इंतज़ामिया ने कह दिया कि आप मोती मस्जिद की वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकते बल्कि पूरे किले की ही नहीं इन्होंने बनाने दी और बड़ी मुश्किल से ये जो छोटे छोटे क्लिप और हिस्से हम बना सके हैं आपकी आपको दिखा रहे हैं तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी हुई है इसको बनाने में तो ये हल्की सी झलक हमने दिखाई है और इसके साथ ही ये बाहर सैन वाला हिस्सा है जिसमें नवादरात की दुकानें हैं और हैंडी क्राफ्ट की अशिया मिल रही हैं और मुख्तलि मॉडल्स और चीज़ें जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं और साथ ही ये बरगद का बड़ा कदीम दरख्त है इसके अंदर आने वाले रास्ते के ऊपर ये बड़ी ख़ूबसूरत लकड़ी की ब्रिज बनी हुई है जिसके दोनों तरफ रास्ता आपको नज़र आ रहा है और इसके बिल्कुल साथ ही ये किले का फ्रंट साइड है जो बाग की तरफ से नजर आता है और यहाँ कोई तकरीब चल रही है जिसकी वजह से हम आपको ये पूरा मुकम्मल दिखा नहीं सकते हमने आपको पूरा फोर्ट दिखाया शाही किला यहाँ पे हमने आपको दीवान ख़ास दीवान आम जहांगीरी हाथा और शीश महल जो जो पॉसिबल हो सका था ईच एंड एवरी आपको दिखाई तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा ये हमारी काविश आपको अच्छी लगेगी तो अगर आपको पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले ब्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें तब तक के लिए खुदा हाफिज